कुलदीप सिंह जी ब्लॉक मेंबर द्वारा स्वागत किया जा रहा है पीएस कलवानिया जी का और अलसानिया जी का। संदीप जी बेनीवाल स्वागत कर रहे हैं। निवेदन करूंगा बलबीर धामी से ओ आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। श्री हनुमान जी करेला आवास सिंह जी मंडवाल अध्यापक जगपाल सिंह जी अध्यापक जसवीर आइए आज यार हाँ जी दलपत सिंह जी भाई पूनिया और जय सिंह जी बिटाड़ा स्वागत करेंगे कलवानिया जी का परसानिया जी का। रमेश जी बेनीवाल एक गांव के युवाओं में से कपिल बेनीवाल मुकेश गोदारा सुहास जी पूनिया स्वागत कर रहे हैं। मेवा सिंह जी बिजारणिया जगदीश सुधार साहब जगदीश जी राव सुधार साहब स्वागत समारोह चलने लग रहा है। युवा कलों को और करवा दिया दौलतराम जी धंदू युवा जाट महासभा बादरा का अध्यक्ष है। युवा जाट महासभा का दौलतराम धंदू युवा जाट महासभा का अध्यक्ष है। हाँ युवा का तो आओ भी स्वागत करते रहे आज भी युवा है तो फिर कहने की जरूरत ही बोली आज नाम लेने की जरूरत आज आज कदे कदे मौको मिला है कि जाट जाट एक जगह मेला हो बड़ा दोरो काम है यो
इन्हें देख लो अजय भी रतन ये दौलतराम जी धंधु है युवा जाट वासवा बादरा का तहसील अध्यक्ष आज अपने गांव में अपने सारे जाट युवा और बुजुर्ग के सामने ये जो तो मतलब जाटा ने एक नो काम करना रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने दिहाड़ी में नहीं बादरा में नहीं राजस्थान में नहीं भारत में भी नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाटा ने एक मंच पर ले आना रहा आज अपने बीच में वहां बैठे हैं तो आगे बहुत बहुत बोली हो लेकिन कोशिश है नहीं वह कदे कदे रंग जरूर ले आएगी तो आगो बहुत ही स्वागत है जानेंगे पावन धरती पर पहुंचे तो मैं रमेश भाई साहब हूँ कहूं के दो विचार अपना प्रकट करें आए हुए अतिथियों का बिरानी पवन धरती पर हार्दिक अभिनंदन और जितने भी युवा जाडोर से आए हैं उन सभी का स्वागत करते हैं। अपना काम खोटी करके कुछ करना पड़ता है। अपना जीवन यापन हर आदमी करता है, वो अच्छा करे या गलत करे। समाज सेवा एक ऐसी सेवा है, उसमें टाइम निकालना पड़ता है। सबसे ज्यादा संस्था बिरहणी गांव में चलती है, समाज सेवी संस्था सबसे ज्यादा बादरा तहसील में बिरहणी गांव में, नौर तहसील में पंडलिका में सबसे ज्यादा समाज सेवी संस्था है। और बादरा में जो धर्मशाला बनाई है जाट समाज की है तो छोटी, नौर से तो छोटी है लेकिन जाट चौक भी बनाया। टाइम निकालना पड़ता है अपना कुछ करने के बाद में। कितने बच्चों को अपने गांव में भी वो शिल्डन दी थी बादरा जो फंक्शन था पिछले साल और हर साल होता है वो, खेल में शिक्षा में हर क्षेत्र में। और मेरे को तो सामाजिक कार्यकर्ता राजस्थान सरकार से संबंधित उनके नाते स्पेशल बड़ी सी दी थी। अब जाट ज्यादा है, दो शब्द कह दिया सुभाष बोनी है जात कट्ठा बोनी में, लेकिन कोशिश करना करो हो सके। जाट लिखने में सिर्फ जय गो मोइन है, तय गो मोइन है, बीच में डंडो भेड़ हो गए बोनी, इतनी है। जय गो मोइन है, तय गो मोइन है, बीच में डंडो, ए मतलब जोर आवे हो तो जय। और सब ज्यादा जाट है। और बादरा तहसील में सिर्फ एक गोत्र ने पूरे देश की इकट्ठी भी करी है एक बार जो बंगाल समाज बोले, और जाट समाज की भी इकट्ठी होगी। एन बारे में जो अपने अतिथि बार आए गए ये लोग बता भीगा तो एम ज्यादा ज्यादा रुचि बुजुर्ग तो एक गाइड कर सके, युवा वर्ग है वो हिम्मत करो। जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करूंगा कुलदीप बेनीवाल दोस्त। आज अपने बिचाले राम अवतार जी और पीएस परवाणिया जी अपने बीच में पहुंचे हैं। अपने बिचाले पहुंचे हैं, इनका बहुत ही अपनी धरती के ऊपर बहुत बहुत घना घना स्वागत। यानी जो ये मुहिम लेके चल रहे हैं और मुहिम जग जाहिर है कि अपने समाज को जो इतिहास है वो कहूं छुपेड़ो को और ए इतिहास ने बरकरार रखने की खातर अपने सारे युवक नौजवान साथियों एक आह्वान करे जाए कि वो इतिहास आगे बढ़ने के लिए आप एक तो नशों दूर रहें, शिक्षा के क्षेत्र में आप ज्यादा
बढ़ चढ़ के भाग जा, खेल में लेवा, यानी सामाजिक कुरूतियां अपने अंदर वो तो दूर छोड़ दिया और अच्छाई है वो ग्रहण कराना, तो अपनो समाज दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा, एम कोई दो राय को। लेकिन समाज अपना तो समाज है, जो जाट समाज की बात करा वो एक ऐसा समाज है कि चिंटिंग भी मार गिरा चिंटी, यानी दूसरे समाज का जो जितना भी बंधु है वन भी साथ लेके चलन को काम करे। और इसे समय के अंदर जो आज को जो दौर है वो दौर ऐसा है कि अपने इतिहास ने देख के और अपनो इतिहास के इतिहास रहे है, और वह इतिहास में दोबारा आप एक कायम रख सका, बरकरार रख सका, बैंगी खातर आपने के कुछ करना चाहिए अपने बिचारे आयड है, ये बहुत बेखूबी तरीकों में अपन बता के जाएंगा। अपन उन्हीं पद चिन्हों पर चल करके अपने अंदर झांक करके देखना है, अपने अंदर जो बुराई है उनको त्यागना है और अच्छाई को ग्रहण करना है। जय जवान, जय किसान, जय जाट। अब कोई और जी बोलना चाहे तो अब मैं आमंत्रित हुआ राम अवतार जी को अपने शब्द। सबसे पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिस पावन और पवित्र भूमि पर हम सब लोग बैठे हैं, हमारे कौम के किसी महापुरुष की यहाँ तस्वीर और प्रतिमा लगी हुई है, तो मैं चाहता हूँ उनके नारों के साथ जोरदार जयकोष करें, जिसे आसपास के इलाकों में पता लगे कि आज जाट बिरादरी के नौजवान, युवा और प्रबुद्ध लोग बिरहाणी की इस पावन और पवित्र भूमि पर इकट्ठे हुए हैं। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, दाऊ देवीलाल अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग आप सभी को पता चल चुका है कि किस उद्देश्य को लेकर हम आप लोगों के बीच में आए हैं। आप सब लोग, पूरी ग्राम पंचायत के मौजूद और प्रतिष्ठित लोग, बिरादरी के जो अगुवाई करने वाले जो लोग हैं, मेरे युवा साथी हैं, आप सब लोगों ने यहाँ आकर के जो मान और सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। साथियों, 19 मार्च 2023 को एक ऐतिहासिक आयोजन का रखा गया है पंचकुला चंडीगढ़ में, उसका निमंत्रण लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। लगभग आप सभी को पता है कि पिछले काफी समय से हमारी बिरादरी संकट और षड्यंत्रों में फंसी हुई है। हम लोगों ने एक शुरुआत करी थी 2010 में, जब हम राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का रजिस्ट्रेशन 2010 में करवाया। पूरे देश और दुनिया में घूमते हैं, दिल में बड़ी पीड़ाएं हैं कि जिन महापुरुषों के इतिहास को सम्मान मिलना चाहिए, जिन महापुरुषों ने 36 कोमर बिरादरियों के लिए संघर्ष किया, पूरे देश और दुनिया में हमारी बिरादरी के झंडा बुलंद किया, आज उनका नाम लेने वाला तो कोई नहीं है। काफी कुछ स्थितियां और परिस्थितियों से हम सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन जब तक हम सारे लोग एक मंच और एक जाजम पर इकट्ठा होकर के बिरादरी की सुख और दुख की बात नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं मानता कि हम किसी न किसी रूप में समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आज के समय में इंडिविजुअल रूप में तो जाट समाज रूप में सक्षम हो रहा है, हमारे समाज के नौजवान युवा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं, बिजनेस के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन जब सामाजिक एकता की हम बात करते हैं और राजनीतिक ताकत की जब बात करते हैं, तो आप उस दौर को याद करो कि चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल का दौर क्या हुआ करता था, और हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जहां हम जैसे नौजवान युवाओं का, जहां देश की कैबिनेट में भविष्य लिखा जाता हो,
गांव गली चौराहों के जो हमारे समाज जो 36 बरादरी की जहां बात हो वह हमारे बीच का हमारी समाज का एक भी व्यक्ति केंद्र की कैबिनेट में नहीं होगा, इससे बुरे हालात जाट समाज में कभी हो नहीं सकते। जहां चार चार पांच पांच कैबिनेट मंत्री चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की, चाहे जयपुर हो, लखनऊ, चंडीगढ़ या नई दिल्ली हो, उन सरकारों में हमारी कितनी बड़ी संख्या हुआ करती थी। जो लोग आज सत्ता में हैं या जो पहले रहे होंगे उन लोगों को यह पता लग गया है कि जाट एक मंच एक जाजम पर नहीं बैठता, वो एक दूसरे की बुराइयों में एक दूसरे को नीचा गिराने में व्यस्त हो रखा है, इसलिए उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज का संकलन करने के लिए जो गौरवशाली अतीत रहा है, आप लोगों ने देखा होगा 13 मई 2018 को दिल्ली के विज्ञान भवन में महाराजा सूरजमल पे हमने एक पिक्चर बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। उस डॉक्यूमेंट्री ने पूरे देश और दुनिया में बहुत अच्छा नाम कमाया, अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया और आज एशिया महाद्वीप की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द ग्रेट महाराजा सूरजमल डॉक्यूमेंट्री ने अपना गायन किया। वो है जाट समाज के इतिहास की ताकत। अब 19 मार्च 2023 को पंचकुला चंडीगढ़ में दीन बंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटू राम जी के गौरवशाली अतीत के ऊपर फिर से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसका सार्वजनिक प्रसारण 19 मार्च 2023 को पंचकुला से करेंगे। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है सर छोटू राम द लीजेंड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। जब समाज के गौरवशाली अतीत का संकलन होगा, इतिहास की हम चर्चाएं करेंगे, उनकी जयंती और पुण्यतिथियां मनाएंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उनके बारे में जानेगी। बड़ी पीड़ाएं होती है कि जब महाराजा सूरजमल हो चाहे ताऊ देवीलाल हो, राज बलराम जाकर जी की पुण्यतिथि है, आप फेसबुक सोशल मीडिया अपने आस पड़ोस में देख समझना चिंतन और मनन करना कि कितने लोग हैं जो जाट समाज के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियां मनाते हैं। हमारे लोग भी कुछ चंद लोग हैं जो जयंती और पुण्यतिथियां मनाते हैं। कि आप सोच सकते हो जब हम हमारे कौम के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियां नहीं मनाएंगे तो बाकी की 35 कौम तो रहने की बात है, हमारी कौम के लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि आज बलराम जाकर कौन है। जिस व्यक्ति ने लगातार हिंदुस्तान की संसदीय प्रणाली में लगातार 10 साल सबसे ज्यादा लोकसभा के अध्यक्ष रहे, आज उस व्यक्ति की पुण्यतिथि है। मैं तो सुबह से फेसबुक पे देख रहा हूँ जाट समाज के चंद लोगों के द्वारा फेसबुक पर उनको नमन किया गया, उसके अलावा किसी ने उनको सादर नमन नहीं किया। ये हमारी पीड़ाएं हैं। इन पीड़ाओं को लेकर के 1 मार्च 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम किया, दुनिया के 62 देशों से लोग आए, पूरे देश और दुनिया में उस प्रोग्राम की चर्चा रही। जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं समाज और बिरादरी की ताकत मजबूत होती है, हम सब लोगों का आपसी भाईचारा बढ़ता है। उसी मिशन को लेकर के जिस प्रदेश से हम सब लोग आते हैं उसकी राजधानी जयपुर में भाई सुनील बेनीवाल ने आप सब लोग काफी लोग उस कार्यक्रम थे, दुनिया के 130 देशों से समाज बंधुओं को बुला करके ये एहसास करवा दिया कि जब जाट समाज संकट और विपत्ति में होगा तो बिरादरी के लोग कोने कोने से बाहर निकल करके समाज और उस बिरादरी को ताकत देने के लिए एक मंच पर आएंगे। आपने देखा कि गैर राजनीतिक रूप से मंच सजा सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी जितने भी राजनीतिक पार्टियों में हमारी कौम के लोग काम करते हैं उन सबको गैर राजनीतिक से बुला करके एक समाज को ताकत देने का प्रयास किया। लोग कहते हैं जाट एक हो नहीं सकते, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज भी आम जाट तो एक है, नेता ही जरूर एक नहीं है और वो कभी एक हो नहीं सकते। वो कभी नहीं चाहते कि बिरानी की जाट सरदारी के इस नौजवान युवाओं को यह पता चले कि आपने आगे वाले 75 साल तक समाज के लिए क्या किया, इसलिए वो आपको एक नहीं होने देंगे। आपने घरों में रहते हैं सीटियों में जो गमले का पौधा लेकर के हम आते हैं, उस गमले का पौधा जिंदगी भर 10-20-50 साल वो हरा भरा रहता है, उसमें पानी डालो खाद बीज दो वो कभी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उसी पौधे को आप गमले से बाहर इस मातृभूमि इस जमीन में लगा दो वो बरगद का रूप ले लेगा। नेता हमेशा यह चाहते हैं कि हमारे आजू बाजू हमारे गांव देहात जिला विधानसभा स्तर के जो लोग हैं उस गमले के पौधे की तरह हरे भरे तो रहे
लेकिन वो कभी बरगद नहीं बने, इसलिए आप सब लोगों को सोचना और समझना पड़ेगा, उन गमले को फोड़ करके आपको बरगद का रूप लेना पड़ेगा, समाज और बिरादरी के लिए काम करना पड़ेगा। जिन लोगों ने आजादी के 75 साल आज हो गए और हमारी कौम के इतिहास को वो सम्मान तक नहीं मिल पाया जो सम्मान के असली हकदार है। हम राजस्थान प्रदेश से आते हैं, मेवाड़ प्रदेश का एक राजा है जिसने कभी दिल्ली को नहीं देखा, किसी जयपुर नहीं देखा, अजमेर उस व्यक्ति नहीं देखा। उस व्यक्ति की देश की संसद में 21 फीट की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन जिस व्यक्ति ने दिल्ली को एक बार नहीं 3 बार महाराजा सूरजमल ने जीता हो, आज उनका दिल्ली में कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि जिन लोगों ने अपनी बहन बेटियों को बेच बेच करके अपने राज और शासन किया हो, हमारी कौम ने तलवार की नोक पे इतिहास लिखा हो, आज उसके इतिहास की कोई चर्चा करने वाले लोग नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को उठना होगा, खड़ा होना होगा। हम नहीं कहते कि आप रोज समाज के लिए पूरे दिन लगे रहो, लेकिन पूरे दिन में घंटा आधा घंटा निकालना पड़ेगा, पूरी साल में 2-4-5 दिन निकालने पड़ेंगे। जब भी समाज की और कौन की कोई बिरादरी का मंच और जाजम सजे, कहीं भी पूरे देश और दुनिया में बिरादरी आपको आमंत्रित करे, तो आपको इस रूप में उस मंच और जाजम की शोभा बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा कि पूरी देश और दुनिया में मैसेज जाना चाहिए कि आज चाहे लखनऊ हो, चाहे जयपुर या चंडीगढ़ हो, जाट बिरादरी के लोग अपने मान और सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान बचाने के लिए इकट्ठे हुए। इसलिए ज्यादा लंबी बात तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि आगे कार्यक्रम है, फिर कभी समय मिलेगा, कभी फिर मुलाकात होगी और चंडीगढ़ वाले कार्यक्रम इन सारी चीजों पे बड़े विस्तृत रूप में चर्चाएं होगी। लेकिन आपसे निवेदन है, चंडीगढ़ आपके नजदीक है, मैं जयपुर अजमेर और कोटा या दौसा से किसी लोगों को निमंत्रण दे तो वो सम्मानजनक रूप में 2-4-5 लोग आकर के उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन भादरा, हनुमानगढ़ और हरियाणा प्रदेश के आसपास में जो सटे हुए राजस्थान के इलाके हैं, उनसे बड़ी उम्मीद है कि आप सब लोगों को 19 मार्च को इस रूप में कूच करना है कि वो कार्यक्रम पंचकूला में नहीं, ऐसा लगना चाहिए कि भादरा की इस पावन और पवित्र भूमि पे वो कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए आप सब नौजवान हैं, समाज के प्रबुद्ध और मौजूद लोग बैठे हैं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, समझदार लोग हैं। हमारे हालात बहुत खराब है, इन हालातों को चिंतन और मनन करने के लिए, समाज को ताकत देने के लिए फिर से उठ खड़ा होना होगा। और आप सब लोग पंचकुला में आयोजक और संयोजक बनकर के आना, पलसानिया और कलवानिया बनकर के आना। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जो इस बिराने की जाट सरदारी ने यहाँ इकट्ठा होकर के जो मान और सम्मान दिया है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके मान और सम्मान में कभी कम नहीं आने दो, कमी नहीं आने देंगे, और जिंदगी की अंतिम सांस तक आपके मान और सम्मान को पूरे देश और दुनिया में घूम घूम करके इस बिरादरी के झंडे को बुलंद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जाट समाज। धन्यवाद भाई साहब। इस चारों एक बड़ी बात है कि आजकल इंटरनेट को जमानो है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, और जो युवा वर्ग है नी वो ज्यादा चलाने लग रही है। लेकिन आपने जाट समाज की खातर, जाट जो अपने पूर्वज है, सूरजमल जी है, तेजा जी है, वांग है, बारह है, मां कोई कौन लगाओ, कोई स्टेटस लगाओ, वो नहीं तो कोई क्या मुझे लगा दो, कोई क्या मुझे लगा दो, लेकिन महीने में जी एक दिन भी कोई लगाओ है नहीं तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि हो है। रोज की नहीं, महीने में जी एक दिन लगाओ नहीं तो वह भी समाज के माँ अपने जो संदेश है नहीं वो बहुत बड़ी है जाए। तो कम से कम महीने में एक बार ही युवा वर्ग है वो इंस्टा फेसबुक आपकी स्टोरी लगा दो जाए। लेकिन वीर तेजा जी और सूरजमल आगे बारे में जरूर जरूर लगानी चाहिए, जो लोग और भी आंग आवास हो, अपा ही एक होनी, बाकी तो और सारा धन फिर ही फिर सारा सिस्टम ही एक है ना, वो 35+1 कर रखी है, हरिया हरियाणा में चलती आने लग रही सिस्टम 35+1 है, पर अपने बिना वो काम भी कौन चला है। अपा ने ये सके तो रखे है, लेकिन जो मतलब एकला हो नहरी बदलाव है, तो आपने एक होने वो टेम आगू आगे आना पड़ेगा। अब मैं बुलाना चाहूंगा कलवानिया जी को। सबसे पहले तो मैं आप सबका
दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने अपने अपने व्यस्त समय में समय निकालकर इस ग्राम की सभा के अंदर आप लोग पधारे, हमारा मान और सम्मान किया। मंच पर विराजमान इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के संयोजक भाई रामोतार पलसानिया जी, सम्मानित मंच और इस बिरानी की पवित्र और पवित्र भूमि पर सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा उद्देश्य समाज की कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और जो हमारा गौरवशाली जाट इतिहास है उसे जन जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर पिछले 10 से 15 साल के अंदर जितना भी संभव हो पा रहा है एक प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से पूर्व वक्ता पलसानिया जी ने आपको बताया कि महाराजा सूरजमल का गौरवशाली इतिहास कितना महान रहा, लेकिन आज इतिहास के पाठ्यक्रम में उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो असली हकदार थे। जिस महापुरुष ने दिल्ली को जीता और दिल्ली के अंदर एक भी स्मारक ऐसा नहीं है जिसपे अपना समाज गर्व और गौरव की अनुभूति कर सकते हैं। जयपुर में भी महाराजा सूरजमल का कोई स्मारक नहीं है, आप लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। तो 1857 की क्रांति के बहुत से महानायकों की गाथा गाई जाती है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर बलिदान की चर्चा होगी और ईमानदारी से अगर किसी का नाम आएगा तो राजा नारसिंह का नाम होना चाहिए। जो लाल किला है उसके पास सामने चौक में इस टेबल के बराबर में छोटा सा स्मारक है, और जिसने 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा बलिदान दिया, बहुत से राजा महाराजाओं ने संधि समझौते कर लिए, बहुत से राजाओं ने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली, महाराजा सूरजमल हो, महाराजा जवाहर सिंह हो, चाहे राजा नारसिंह हो, उन्होंने अपना बलिदान देना मंजूर कर दिया लेकिन पीठ दिखा के नहीं भागे। आप लोग सोचिए, पिछले दिनों अपने राजस्थान से जोधपुर से जो केंद्रीय मंत्री है उसने एक लेटर लिखा राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष को, उसने मांग की कि हमारे मेवाड़ के राजा की मूर्ति राजस्थान की विधानसभा में लगाई जाए। आज कम से कम 8 से 10 महीने हो गए, देश के अंदर और राजस्थान के अंदर करीब 2000 से ज्यादा जाट समाज के संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही संगठन ने मुंह खोल के आवाज नहीं उठाई कि वहां पर लोक देवी तेजाजी का स्मारक भी लग सकता है, महाराजा सूरजमल का स्मारक भी बनना चाहिए। और मैं दुर्भाग्य मानता हूं अपनी कौम का कि आजादी के 75 साल बाद भी आम जाट तो जिस तरीके कलवाणिया परसाणिया के निमंत्रण पर भी, उनके आने की सूचना पर भी इकट्ठा हो सकता है, लेकिन हमारे समाज के जिन वोटों से जीत के गए हुए नेता हैं, कोई गहलोत के पास झंडे उठा रहा है, कोई वसुंधरा के उठा रहा है, कोई सचिन पायलट के झंडे उठा रहा है, लेकिन कहीं जाट का झंडा भी तो होना चाहिए, उस झंडे की कोई बात नहीं कर रहा। मांग करता हूं समाज से कि आजादी का आज 75 वर्ष हो गए, कब जागोगे? और अब नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी आप सबको माफ नहीं करेगी। हमने पिछले दिनों देश के लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर मांग की थी और प्रधानमंत्री से भी मांग की थी कि महाराजा सूरजमल का स्मारक, देश की जो नई संसद भवन बन रही है उसमें अगर किसी भी एक महापुरुष का स्मारक लगे, राजे महाराजा का लगे, तो पहला स्मारक महाराजा सूरजमल का लगना चाहिए। इसी तरीके से राजस्थान की विधानसभा में भी अभी तक ऐसी कोई परिपाटी नहीं है, लेकिन अगर कोई परिपाटी डालते हैं, प्रयास करते हैं, मैं बिरानी गांव की जनता से भी आह्वान करता हूं कि यहां पर समाज की बिरादरी के सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं और आप सब की केवल बिरानी के लोग हैं, इसमें आसपास की रिश्तेदारियों में तमाम भादरा और हनुमानगढ़ गंगानगर तक आप लोगों का वर्चस्व है, और कोई फैसला आप लोग लेते हो तो उसकी आवाज दूर तक जाती है। मैं आपसे भी मांग करता हूं कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर किसी का भी स्मारक बने तो लोग देव वीर तेजाजी का स्मारक लगना चाहिए। जिस तरीके से आप लोगों को दिल से धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पर जिस महापुरुष ने, जिस युवा ने अपने जवानी के समय में ये नहीं सोचा कि मेरे को अगर मेरा बलिदान हो जाएगा उसके बाद इस देश की आजादी कहाँ जाएगी, लेकिन उसने आजादी के समय में हंसते हंसते अगर फांसी के फंदे को चूम लिया, वो भी अपनी कौम का बेटा शहीद आजम भगत सिंह। Thank you.
आज आजादी के 75 वर्ष बाद इनको भी शहीद का दर्जा वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो असली हकदार थे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग अब आप सबको जागरूक होना पड़ेगा, और अगर अब भी आप शंकित और जागरूक नहीं हुए तो आप सोच सकते हैं आपका भविष्य किस चौराहे पर जाके खड़ा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर एक चर्चा आप कि जाट समाज के बारे में ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ये कौम तो एक दूसरे को गिराने के लिए एक दूसरे की टांग खींचने में व्यस्त है, और उसी का परिणाम है आज जहां पर लाल किले की प्राचीर से चौधरी चरण सिंह जी ने प्रधानमंत्री बनकर अपनी कौम का झंडा सर्व समाज के अंदर नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया था। ताऊ देवीलाल जी ने देश के अंदर किंग मेकर की भूमिका निभा के गांव में कोई वार्ड पंच की कुर्सी नहीं छोड़ता, जब सांसदों ने अगला प्रधानमंत्री चुन लिया तो उन्होंने अपने त्याग और अपना स्वाभिमान का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि मैं देश का ताऊ रहना पसंद करूंगा, मैं पगड़ी वीपी सिंह को सौंपता हूँ। कोई कर सकता है इतना बड़ा त्याग? आज जिस महामना की पुण्यतिथि है चौधरी बलराम जी जाकर साहब की, आप सोचो 10 साल लगातार लोकसभा के अध्यक्ष रहे, देश का रक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल जी रहे, विदेश मंत्री वो नटवर सिंह जी रहे, और आज हमारा समाज इस देश की कैबिनेट में शपथ ग्रहण जब शुरू होता है 1 नंबर से लेकर 50 नंबर तक आपके व्यक्ति का कहीं अता पता नहीं है। इसलिए और इसका सबसे बड़ा कारण है तो आप और हम सबको एकजुट होना होगा, संकित होना होगा, और जो टैगलाइन चल पड़ी जाट समाज कभी एक नहीं हो सकता, उस काली माँ को खत्म करके फिर से हमें संकित होना होगा, और जब आप लोग संकित हो गए वही दौर जो चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल का दौर था वो आएगा, और जो आप लोगों के दिल में कसक है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भी जाट होना चाहिए, तो निश्चित रूप से अगर आप संकित हो गए और अपने नेताओं को आपने आंख दिखा के कह दिया कि अगर आपने किसी दूसरे का झंडा और डंडा उठा लिया हम आपको भी पसंद नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1 घंटे के अंदर वो आपके लोगों के बीच आके घोषणा कर देंगे। लेकिन संकित आपको होना पड़ेगा, ताकत आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप ही की ताकत से वो है, उनकी ताकत से आप नहीं। और इसी कड़ी के अंदर आज समाज दो विशेष रूप से फैक्टर के ऊपर अपनी युवा पीढ़ी भटकने लग गई है, एक तो अपराधियों को आइडल मानने लगे गैंगस्टरों को, और दूसरा युवा पीढ़ी नशे की तरफ जाने लगे। इन दोनों की तरफ हम सबको ध्यान देके और इसका एक ही फॉर्मूला मैं मानता हूँ कि वो सक्सेस हो सकता है, और वो फॉर्मूला है कि जो अपराधियों को आइडल मानने की बजाय जो कौम के महापुरुष हैं उन्हें आइडल माना जाए, उन्हें अपना उनको इतिहास पढ़ाया जाए, चौधरी छोटू राम से लेके बाबा महेंद्र सिंह टिकैत तक का इतिहास, राजा नार सिंह महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास जिनका राज अफगानिस्तान हुआ करता था, राजा महेंद्र प्रताप वो महामना थे जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर गुलाम भारत में इंडिया के अंदर निर्वासित सरकार अगर किसी ने बना के और लोकतंत्र का नक्शा किसी ने पेश किया था तो राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। उन लोगों के इतिहास को आगे लाने की जरूरत है, और उनका इतिहास आ गया तो मैं मानता हूं कि युवा पीढ़ी फिर से अपने समाज के जो महापुरुषों ने इतिहास को बनाया उनके पद चिन्हों पर चल के फिर से अपने समाज का झंडा बुलंद करेगी, और इसी इतिहास को जन जागृति के अभी प्रयास किया था कि पहले महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री बनाई और अब अखंड भारत के महानायक द लीजेंड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया सर छोटूराम जी के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जिसका विमोचन पूरे देश और दुनिया के जाट समाज के लोग एक मंच और एक प्लेटफॉर्म पर आके चंडीगढ़ के अंदर 19 मार्च को सार्वजनिक प्रसारण करेंगे और बताएंगे कि अपने कौम के महापुरुषों ने कितना महान काम किया और उन्होंने किन किन संघर्षों से आप और हम सबको मुक्ति दिलाई। मैं ज्यादा समय नहीं लेके इतनी बात कहूंगा कि आज हमारे समाज को एकता की जरूरत है, संकित होने की जरूरत है, और संकित होकर फिर से नई आवाज और नई ताकत बुलंद करने की जरूरत है, और जब आप संकित हो जाओगे तो पूरी दुनिया और दूसरे समाज की आपकी तरफ देख रहे हैं। जब भी अपना कोई कार्यक्रम होता है, चाहे दिल्ली के विज्ञान भवन का कार्यक्रम हो चाहे जयपुर का कार्यक्रम हो, मैं मानता हूं कि कुछ मेरे समाज के लोग जो एकता नहीं चाहते उनके पेट में तकलीफ होती होगी, लेकिन दूसरे समाज के लोग जो जाट समाज के झंडे के नीचे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं वो भाई भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो लोग कई बार हमसे मिलते हैं, दूसरे समाज के लोग भी, वो कहते हैं कि भाइयों आप अपनी फूट को सुधार लो, हम तो फिर से आपके साथ आ जाएंगे। और आप एक बात सोचिए, जब देश आजाद हुआ था तो जो 35 कौम का नारा देते हैं
वो 35 को आप लोगों के साथ थी और जो सामंतवादी जो परंपरा थी उन लोगों के खिलाफ थी। आज आप लोग देखिए कि जिस क्षेत्र के अंदर जाटों के वोट 50,000 60,000 और 1,00,000 है वहां पर भी दूसरे समाज के लोग जीत के जा रहे हैं। आपके पड़ोस के अंदर नोर का उदाहरण आपके सामने है और भी कई जगह देख लीजिए जिनके वोट 2,000 नहीं है सिविल लाइन के अंदर कितने जो भी वो विधायक है उसके कितने वोट है वहां पर वो जाके जीत गए और जहां अपने वोट है वहां अपने लोग हार जाते हैं। हम सबको अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है और जब संगठित होंगे तो फिर से अपने समाज को बुलंदी मिलेगी, ताकत मिलेगी और जो लोग दिल्ली जयपुर चंडीगढ़ और लखनऊ में बैठ के अपनी कौम के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उनको भी तमाचा मिलेगा। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, पिछले दिनों हम साउथ इंडिया के अंदर जाते थे और वहां से समाज के भाइयों के द्वारा जो हमारा मान सम्मान करते थे उनकी सोशल मीडिया पे फोटो डालते तो देश के जो राजनीतिक लोग हैं वो भी और अपने समाज की चिंता करने वाले लोग भी हमसे सवाल करते थे कि भाई क्या बेंगलोर चेन्नई हैदराबाद में भी अपने समाज के लोग कितनी बड़ी तादाद में है क्या। हमने सोचा, हमें तो पता था, हमने सोचा कि एक बार वहां से भी अपने समाज की ताकत को दिखाया जाए और इसी उद्देश्य को लेकर पिछले 18 सितंबर 2022 को प्रवासी जाट अधिवेशन के नाम से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का जो सबसे बड़ा हॉल है टाउन हॉल उसके अंदर प्रवासी जाट अधिवेशन का आयोजन किया। कर्नाटक से दक्षिण भारत की गांव गांव और गली गली घूम के समाज बंधुओं को जागरूक करके एकजुट करने का प्रयास किया और हमने कहा कि भाइयों एक दिन समाज के नाम ताकत दो और आपकी ताकत मिलेगी तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो अपनी संख्या ज्यादा संख्या में रहते हैं उन्हें भी मोरली सपोर्ट मिलेगा और उन्हें भी मैसेज आएगा कि जो दूर के लोग हैं वो एकजुट हो गए, हमें तो एकजुट होना उनकी मजबूरी हो जाए। और उन्होंने एकजुटता होके और ऐसी ताकत दिखाई कि जितने लोग टाउन हॉल के अंदर थे उससे ज्यादा कई लोग टाउन हॉल के बाहर थे और जब वो फोटो और वीडियो वायरल हुए तो बहुत से लोगों के फोन आए कि भाई हम मान गए कि आपके कौम के लोग बेंगलुरु में भी है। हमने कहा बेंगलुरु काफी नहीं है, जो ग्लोब का नक्शा है उसका ऐसा कोई कोना नहीं है जिसके अंदर मेरी बिरादरी के लोग नहीं है। हर जगह पे जाट समाज के लोग उनको संगठित करने की जरूरत है, एकजुट करके एक माला में पिरोने की जरूरत है और ये समय किसी न किसी को तो आगे आके प्रयास करना पड़ेगा और उसी प्रयास के तहत एक प्रयास फिर से शुरू किया है। और जिस तरीके से आपने मेरी बात को सुना, मान और सम्मान किया उससे मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अपने अपने समय में से समय निकालकर एक दिन कौम के नाम करते हुए राष्ट्रीय अधिवेशन जो चंडीगढ़ के अंदर हो रहा है जिसके अंदर दुनिया के लोग आएंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के लोग उसके अंदर आएंगे। आप लोगों को बताते हुए खुशी है कि जम्मू कश्मीर में भी 5,00,000 से ज्यादा जाट समाज के लोग रहते हैं। आपने देखा होगा जयपुर और दिल्ली के कार्यक्रम में अपने समाज के वहां की सरकारों में मंत्री रहे, विधायक रहे, मेयर रहे, वो लोग अपने कार्यक्रमों में आए थे और इस बार भी हम लोग वहां जम्मू कश्मीर भी जाएंगे, उन भाइयों को भी साथ जोड़ेंगे, उत्तराखंड के भाइयों को भी जोड़ेंगे और फिर से देश के अंदर जो दौर हुआ करता था अपनी कौम का, एक ताकत हुआ करती थी, उस ताकत का एहसास फिर से हम सब करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जाट समाज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जाट समाज को एक ताकत देने का काम कर रहे हो, आप हमारे गांव में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो और कोई साथी कोई कहना चाहे तो स्वागत है। बोलिए तो कुछ।